की बातें होती है और वो आपस में हम लोग रिजोल्व करते हैं, प्रस्ताव लेते हैं और उस प्रस्ताव के आलोक में हम लोग सरकार से बात करते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या इवन समाज को भी हम लोग उसमें ज़रूर आग्रह करते हैं कि समाज के लोग भी इसमें हम लोग को साथ दें। इसी के संदर्भ में साल में एक बार बैठक होना ज़रूरी होता है, तो 2021 में हम लोग ये बैठक कर रहे हैं क्योंकि साल अंत हो रहा है और जाहिर सी बात है कि गरीब क्षेत्र है, आदिवासी शेड्यूल कास्ट इलाका है और हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है प्योर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओरिएंटेड ही है। वैसे सब लोग इसके साथ हैं लेकिन हम उन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमको लगा कि बेहतर होगा कि वहाँ के लोगों से समस्या भी सुन लेंगे और अपनी बात को भी उनके सामने रखेंगे। इसीलिए हम लोग वाल्मीकि नगर में कल हम लोग एक दिवसीय, दो दिवसीय आज भी है, शाम को रजिस्ट्रेशन होगा और सारी बातें बनेंगी और कल होगा आसन भाषण और रेजोल्यूशन। शराबबंदी कानून को लेकर आपने कभी बात कही है कि अधिकारी वर्ग जो है शराब पीते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, उसको लेके देखिए इसमें ये बड़ा कंट्राडिक्टेड मामला है, इसको दूसरे ढंग से आप लोग छाल देते हैं जिसके चलते हमारी भद पिट जाती है। शराबबंदी ठीक है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में दो प्रकार की नीति अपनाई जाती है। एक प्रकार की नीति है कि जो 250 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर जो पीता है उसको भी पकड़ करके इम्प्लिकेट किया जाता है, दारू लेकर के उसको केस किया जाता है, जेल में जाता है और बेल पर आता है। लेकिन दूसरे तरफ ये ओपन सीक्रेट है, कहीं कोई हमसे पूछे इसके लिए जितनी भी पड़ताड़नाएं हमको क्यों न दे, ये सत्य है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो धनवान हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं, जजेज हैं, ये सब लोग एक लिमिट अरसे में शराब पीते हैं 10 बजे के बाद और वो अपना दुनिया कोई नहीं जानता कि वो पीते हैं। हम वही कहते हैं अपने गरीबों को कि क्यों पी करके इधर उधर करते हो, तुम लिमिट में पियो जैसे बड़े लोग पीते हैं। और पकड़ने की बात अगर आती है इसलिए कि तुम पी करके चौराहे पर घूमने लगते हो, इसीलिए लोग कहता है मुंह में ब्रेथलाइजर लगाता है और उन लोगों को ब्रेथलाइजर नहीं लगाता है, इसलिए उन लोगों से सीखो और उसी रूप में रात में अगर तुमको कुछ लेना है तो ले करके सो जाओ, सुबह में अपना काम करो जैसे बड़े लोग करते हैं। शराबबंदी है तो फिर मिलेगा कहाँ से कि रात में लोग पिए? अब शराबबंदी है तो आप लोग ही देख रहे हैं।